गुरुग्राम के सोहना में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कारिंदों पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। पीड़ितों ने आरोपियों पर मारपीट के भी आरोप लगाए हैं और जान से मारने की कोशिश के भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कारिंदों ने उन पर हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है और पुलिस ने कब्जाधारियों के साथ मिलकर जमीन के मालिकों को ही गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, इस पे हमारा मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में जी, करोड़ तकसीम का जी। आज सुबह हमारी मम्मी यहाँ काम कर रही थी तो पता चला बाहरी पुलिस बल आया है जी। उन्होंने बताया हम यहाँ पे आए तो परिवार से जो भी कोई आ रहा है सबको पुलिस जबरन पकड़ के ले जा रही है और सबको बंद कर रखा था। अच्छा। लेडीजों के साथ मार पिटाई की है और जो जेंट्स जो भी आए हैं सबके साथ यहाँ से मारते पीटते ले गए और थाने में पिटाई कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी, जिसको दूसरी पार्टी ने जमीन बेच रखी है और हमारे साथ धोखाधड़ी से पहले फ्रॉड तकसीम की गई है, उसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सफाई भी दी है। पुलिस के मुताबिक उन्हें दो पक्षों के बीच झगड़ा होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पांच लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी आगामी कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि कुछ औरतें और आदमी झगड़ा कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, इस पर हम गए तो हमने पांच आदमी जो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे थे झगड़े को उतारू थे, उनको हमने काबू किया, कार्रवाई करें जो भी लीगल एक्शन। हालांकि कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन पुलिस अब पूरे केस में छानबीन का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान।